बुशरा का आशिक बोल रू, बुशरा के बिना मैं जिंदा नहीं रह सकता। बुशरा सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी। तेरे तुतले साले के वास्ते दूसरी पोटी देख ले। अगर तुम ना बुशरा के करीब जाने की भी कोशिश करे ना, आखा निकाल के गोटियां खेल तू, समझे ना? बुशरा का आशिक बशीर। सब्सक्राइब करो और घंटी दबाओ, नोटिफिकेशन आता। सर पटकने का है तो दीवार पर पटक रहे। हाँ, मेरी जान में दम क्यों कर रहे? ताई तू बोले तो तुम मेरी दान है ना भाई, दान दान नहीं दी, दान दान है तुम। अभी एक बार बोलिया नहीं बेटा, सुन रहे? तेरी जान फोड़ डाल तू, सुन रहे? क्या बोलू? क्या हुआ जी, काय को तो भी ओंट ले रहे? मैं लुद्या बलबाद हो दिया, तादी ते पहले मेला तलात हो दिया, मेरी दबान देता तद मेरी तितमत भी तोतली लिटली बादी। इधर इधर ठहरे, रोती सूरत क्या हुआ, सुनने तो दे। ओ बात का बतंगड़ बनाने वाले आदमी, क्या हुआ बोलो। ए, क्या बोलना जी तुम ना, तुम्हारी होने वाली भावच का आशिक मैसेज भेजे। हेलो सुनो सुनो। रे मैं बुशरा का आशिक बोल रू, बुशरा के बिना मैं जिंदा नहीं रह सकता। बुशरा सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी। तेरे तुतले साले के वास्ते दूसरी पोटी देख ले। अगर तुम ना बुशरा के करीब जाने की भी कोशिश करे ना, आखा निकाल के गोटियां खेल तू, समझे ना? बुशरा का आशिक बशीर। ऐ क्या दिमाग नहीं सो आदमी है जी तुम, कोई भी क्या भी बोलेगा तुम मान लेते क्या? हाँ हिम्मत है तो इधर आके प्रूफ के साथ बात करो, बोलो फिर देखेंगे। मैसेज करो उसको। ए पागल औरत, क्या दिमाग है जी तुम्हार कनी, क्या बोली? अभी मैसेज डाल तुम पाड़े। ए माँ के लाडले, बहन के लाडले, रे बुशरा के चिंदे आशिक, अगर तू एक बाप की औलाद है तो सामने आ, कुत्ते का दूध नहीं पिया तो सामने आके बोल, मैं फिर मान तू। क्या समझ रहे? फोन के आंचल में बैठ को पोटियां के जैसा क्या मैसेज भेज रहे? चार बाप की औलाद नहीं है तो सामने आके बोल रे, रे बशीर पाशा लड्डू पाशा। ता दलाए मैदान तू, तुम अब उन्हें दल तू नहीं आता, क्या दलाए मैदान? बुशरा ओ माय डार्लिंग, देखो देखो वो आ गया। लड्डू करे रे, अरे लुतो 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 लुतो, ताई तू मान ले मेल तू, लड्डू पाता मैं नहीं हूं, लड्डू पाता पानी। मेरी एक बात कान और खुल के सुन लो, बुशरा सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी। जाने जिगर जाने मन, मुझको है तेरी कसम, बुशरा ना मुझको मिली मर जाऊंगा मैं सनम। जाने जिगर जाने मन, मुझको है तेरी कसम, बुशरा ना मुझको मिली मर जाऊंगा मैं सनम। बुशरा रे, वो मेरी बुशरा है रे। अजी सुनो जी, कुत्ता को मारे वैसा क्यों मार रहे? क्या है तुम्हें, कौन है तुम्हें, बोलो कौन है? है नाम मोहम्मद बशीर खान, बाबा का नाम मोहम्मद मुबीन खान, अम्मा का नाम मुबीना बेगम, बस्ती लेबर अड्डा, उम्र 26, 3 घंटे 5 दिन।
रे आखिरी आशिक दिख रही थी तुम्हें। आशिक बनना पड़ता लड्डू पाशा साहब, आशिक बनना पड़ता। इस जालिम दुनिया में अगर आशिक बन के नहीं रहे तो ये दुनिया वाले तुम्हारे ऊपर बिछा देते हैं। जे अगर तुम्हें ज्यादा होशियारी करे नहीं तुम ना भी सीधा अंदर पुलिस को फोन कर को अंदर भिजा तू। बशीर का इंतजार तो 11 बस्ती की पुलिस कर रही है, लेकिन छोटन बशीर को पकड़ना मुश्किल नहीं ना मुमकिन है। रे क्या है रे तेरे के रे, क्यों अत्ता उछर रहे, क्या पावर है, किसका दम पर अत्ता उछर रहे, तू बोल। मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, प्रॉपर्टी है, तेरे पास क्या है रे? है मेरे पास बुतला है। रे बुशरा को भूल जा तू तो बैगन में मिलाए तू। ए तेरे कुछ बोलू बुशरा शादी नहीं करना तू। नहीं 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 करती नहीं करती नहीं करती नहीं करती जी, हम ही लोग शरीफ लोग हैं, बात से मान जाती लातक की क्या भी जरूरत नहीं, नहीं करती। वही बोल रहा हूँ बुशरा के पीछे मैं हूँ, जमाने से बुशरा के पीछे मैं हूँ। उसके पास बहुत प्रॉपर्टी है, मेरे को बुशरा से नहीं बुशरा की प्रॉपर्टी से प्यार है। बुतलाते पास प्लॉटपति भी है बैदान। अरे हाँ भाई बुशरा के पास प्रॉपर्टी है, हमारे पप्पा है नहीं, हमारे पप्पा शमशाबाद में जमीन 7 एकड़ की जमीन रखे, बंजारा से फ्लैट रखे, बेगम बाजार में दुकाना रखे। अरे बहुत सोना है उसके नाम पे। रे छोटन तू बुशरा से शादी करेगा, कौन बीच में आता है मैं देख ले तू। बुशरा बुशरा बुशरा, हमें तो बुशरा ने लूटा, परवीन में कहां दम था, मोहब्बत भी जिस हुई इसके भाई का। क्या क्या बोली, क्या भी सुने नहीं है, जरा जोर से बोलो। मोहब्बत भी जिस हुई इसके भाई का दम था, जीता था जिसके लिए, जिसके लिए मरता था, एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था, एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था। बुशरा ने हमको लूटा, परवीन में का दम था। जे वैसा है तो परवीन से कर लियो ना, बुशरा के पीछे क्यों पड़ी। बुशरा बुशरा है, परवीन परवीन है, दोनों अलग है। अब जो भी बात है आमिर भाई को कॉल करके सीधा सीधा बोलेंगे, उन्हें ही सॉल्व कर देते जो भी प्रॉब्लम है, समझे। अजी कॉल करो, जी आमिर भाई को कॉल करो। कॉल करो। हे क्या बोली। मैं बोल रही हूँ आप कॉल करिए आमिर भाई को। ऐसा ओके ओके आमिर भाई। हेलो सलाम अलैकुम रहमतुल्लाहि वरकातो। हाँ सलाम दुआ सब भी बाद में, पहले तुम्हें ये कहो क्या तुम्हें हमारी इज्जत को मट्टी में मिलाना करी। कहीं को भाई क्या हुआ। डे 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 सब भी मालूम रखो, हम ना पूछ रही क्या हुआ। वाह मैं समझाने आप क्या बोलना चाह रहे। मैं ये बोलना चाह रू तुम्हें एक नंबर के बट्टेबाज हैं, एक नंबर के झूठे हैं, तुम्हारी भान का बशीर बॉयफ्रेंड है बोल को हम ना क्यों नहीं बोले। क्या हाओ तुम्हारी भान बुशरा का बॉयफ्रेंड बशीर आया था, उन्हें मैसेज भी करिया था, आपको मिंजे मारिया,
मेरी साले कुमारिया, मेरी बेगम का हाथ पकड़े आउनी, हाँ? क्यों ऐसा, तुम्हें पहले क्यों नहीं बोली ये बात? अरे भाई, बशीर के बातों को आप लाइट लो। बशीर हमारे मामू का बच्चा है, उन्हें बुशरा से मोहब्बत नहीं, उसकी प्रॉपर्टी को देखे बुशरा को मोहब्बत करने के नाटक कर रहा। बुशरा को भी इसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं है, और आप लोग इसके बात को सीरियस मत लो, और बशीर का जो भी है वो मैं देख लेता हूँ। आप लोग रसम की तैयारी करो। ऐसा और वो सब ठीक जी बा, अंगे दाको क्या भी मुश्किल हुए तो कैसा? आप लोग हाँ, बशीर का टेंशन न को लो, बशीर को मैं देख लेता हूँ, और जो है इसके बारे में बुशरा से भी मत बताइए, और जो है ना आप लोग रसम की तैयारी करिए, जो भी है मैं देख लेता हूँ इंशाल्लाह। चलो चलो ठीक है जी भाई, हाँ दिल में का भी न रखो, मैं का भी बोलिया तो हाँ, चलो खुदा हाफिज़। चलिए चलिए, अल्लाह हाफिज़। ओके तो चलो अपन लोग जाके शॉपिंग कर लेंगे। चलो क्यों शॉपिंग? कई की शॉपिंग जी, हाँ कई की शॉपिंग? बच्ची वाले उसको कपड़े लाती, बच्ची को हम ही लेकर जाते, तो शॉपिंग क्यों? बच्ची के कपड़ों की टेंशन तुम नक्को लियो, वो मैं देख लेती हूँ। इसको देखो, रमजान में लिए सो कपड़े अभी तक का पहन रहा, चार कपड़े लेके देंगे इसको, रसम मारा देखी सो वाले क्या बोलेंगे। सही सही बोले तुम्हें, हमारे दोस्त की बहुत भारी कपड़िया की दुकान है, वहां आपको कपड़े आलेंगे है, और जरा कपड़े बदल कर चलो, तीन अफिसर साथ से ये कपड़े पहन रही, लोग कमेंट करके बोलेंगे कच्चे अफिसर तक और ये ड्रेस पहनती, बोल को कपड़े चेंज करो चलो। बोलती थी मैं इतनी बड़ी दुकान पहली बार देख लूं भाईदान, तपले महंगे लेते थे। ए, रीजनेबल और हर अच्छी क्वालिटी के रहती ना कपड़े इधर, ये चिंदी बाता कर को मेरी इज्जत नको काड़िया, मेरे दोस्त की दुकान है ये। आइए ना भाई, आइए ना। आ रही आ रही, चलो। ए, आ रे। अस्सलाम वालेकुम भाई, बोलिए क्या बताऊं? बकरी के बच्चे बताओ। अडे कपड़िया की दुकान में तो कपड़े ने तो और क्या बताती थी भाई, क्या बताऊंगा तो ऐसा पूछती, हमारे साले का रसम है क्या, तुम्हें भारी कपड़े दिखाओ। रसम है बोले तो सूट दिखा तुम था। नहीं नहीं, सूट बूट तो बच्चे वाले लेके आते, आप रोज पहनने के कपड़े दिखाओ अच्छे वाले। बताओ जी कपड़े बताओ जरा। हाँ बेटे मैं बोलता हूँ। हाँ ओके, मस्त है ये, मस्त है मस्त है। ये कपड़ा अच्छा है, डिजाइन अच्छा है रे, तू अच्छा नहीं है, तेरे को सूट नहीं होती, काले में काला छुपको देंगे रख। तुम ऐसे तल्ले ताली। डेडे अच्छी है अच्छी है, मगर तेरे को सूट नहीं होती। ओहो हो हो हो, दे भारी जी, बहुत भारी नहीं, तुम्हें जरा ऐसा काले लोगों के वास्ते भी लाना नहीं, पूरे गोरे लोगों के ही। दे भारी है। ये भी आती है नहीं, बदन आती है नहीं। रे नको रे, एम्बुलेंस दिखेगा, काले पो लाल नको रख। ये देखो आज आया स्टॉक। हाँ ये आती है आती है आती है आती है आती है। टी शर्ट तो एक नंबर भारी है, मगर इसके वास्ते अच्छी नहीं रखा। हाँ बदन दे, भारी भारी कपड़ा, क्वालिटी एकदम भारी जी। दे क्या दिसिंगा जी, गोरे लोग इसमें मैं कितना अच्छा दिखता हूँ, तेरे ऐसे नहीं है इसमें। नको ये पेन लोगो फिरगा तो बच्चे डरती रात में, नको भाई पैंटा दिखो जरा। तुम्हारा तो धलन होली अतल मेल से, तेरे से दलने का क्या है रे? मैं अता तुम्हारा तो बैदान, तुम मेरी दान है बैदान, तुम मेरी दान। यहाँ पब्लिक में नहीं बोलना, करो मजाक नहीं करना, यहाँ नहीं दान बोला भाई। देखो, देखो, देखो तुम लोग भाई, लव है या अरेंज है? तुमाल तू ताई तू, मेरे ख्याल से अरेंज मैरिज होंगी। तुमाल तू ताई ता मालूम, तुम्हारा को देख के मालूम हो रहा है यारो, डैमेज पीस है तुम, तुम्हारे से कौन प्यार करते? ती भैदान दिला दिया, दिला दिया भैदान, दिला दिया। क्या क्या किया, क्या उठाया तू, क्या कर ले बता बता बिंजे। भैदान इज्जत दिला दिया भैदानी ने, इज्जत। ए क्या बाजी, क्या बोल रही तुम्हें हमारे साले को? ये के तुम्हारे साले से कोई भी प्यार नहीं करते। तुम्हारे से करती, तुम्हें क्या इमरान हाशमी है, कत्ते कत्ते गर्लफ्रेंड आई जी तुम्हें? शॉप पे रहते हुए बस्ती में चार गर्लफ्रेंड मेंटेन कर रहा हूँ मैं। तुम्हें बस्ती में चार मेंटेन करती, मेरा साला गली में चार को मेंटेन करता है। अरे गली में छोड़ो, हमारा भाई एक बिल्डिंग में चाचा मेंटेन करता। अरे हद तो हो को गई है, एक बार एक फ्लाइट में चार को मेंटेन करया था। क्या चारों भाई ना थे? ऐसा है तो अरेंज मैरिज कैसे कर रहे भाई तुम? पुलों ते तादी नहीं तलता थे ना, इसलिए एक ते तादी तल लूं,
वो भी दल वालों थी तूती थे वाते। हट, मैं नहीं मानता हूँ। मेरे से बड़े आशिक है तुम, कभी बच्ची से पैसे लिए तुम? ता नहीं लिया वो पूतो, उन लोगों का मेला पूरा कलता उतार लेते मालूम तुम्हार तू तभी तभी तो मेले बैदान था चलता भी उतार लेते उन लोगों का। तुम ही लीजिए कभी बच्चिया से पैसे। हट, बच्चियों से पैसे नहीं लेते अपन। पहले पुत्र ने रे पूरा फेंका सो बेच गए पड़े। अजी क्या है ये झूठे बाता? नको बोल रही मैं अपने को काई को? जी इज्जत का सवाल है जी, फेंकना पड़ता है। हां तुम ही खामोश बैठो नहीं तो हाऊ में हाऊ मिलाओ। तुम्हारे झूठे बाता सुन के ना मेरा खून जला, देखो बोल रही हो। जी तुम्हारा खून जलने के बजाय चर्बी जलती तो थोड़ा वजन कम हो जाता था। क्या बोल रही थी जी? क्या बोल रही थे? इतने गर्लफ्रेंड आए बोल रहे ना भाई, तुम कभी डेट पे गए यारो? कमते तम तमते तम तमते तम तमते तम हफ्ते हफ्ते में दो बार जाता हूँ डेट पे मैं। अब्बा इतने एकदम गर्लफ्रेंड आए तुम्हारे? रोज रोज एक लड़की को लाता हूँ घर को मेरे से मिलाने के वास्ते। 121 लड़के को तो मैं पहचानती हूँ। और कितने छोटे जी? जरा ज्यादा कर रहे हैं, जरा खामोश बैठो तुम्हें। इतने गर्लफ्रेंड आए बोल रहे ना बड़े हुए तुम, तुम्हारे गर्लफ्रेंड को कभी गिफ्ट दिए तुम? तुम दिए परसों में दिया 6 फीट का टेडी बियर। अरे इन्हीं इसकी एक एक गर्लफ्रेंड को एक एक बच्चा दिए। क्या तुत्तेदा बत्ता, बिल्लीदा बत्ता, फेलदा बत्ता? अरे मैं गलत समझाना भाई, कभी थिएटर में डेट मारे तुम? अरे थिएटर में क्या नहीं मारे वो पूछो जी, बच्चे डर जाते थे। अरे क्या कर रहे की पाड़ा इन्हीं बोल को, कत्ते की बार तो मैत्रो क्या, अरे नक्को रे हल्लू रे नक्को चिल्ला ऐसा गल्ला फटको देंगे बोल को। बहुत चिल्लाता पाड़ा थिएटर में। ऐसा गलत समझाना भाई मैं? अरे तुम हमेशा गलत समझती थी, कपड़े दिखाओ भाई। जितना भी न्यू स्टॉक था सब बता दिया, सर्दियों का सीजन चल रहा, इससे अच्छा स्टॉक तुम्हारे पूरे शहर हैदराबाद में नहीं मिलता। आग बनकर के उठा ले सकते आप लोग? ऐसा आग बनकर के उठा ले देखेंगे, दो चीजा उठा। अरे सही मीरे भारी चुठा है तू, तुम्हें जरा आंख बंद करके दो चीजा उठाओ। डे कैसे तुम्हें भी बहुत भारी चुट है। चलो चलो हो गया ना, बिलिंग करेंगे। चलो अच्छा बड़े भाई मैं पूछना भूल गया, वो बदनसीब कौन है जिसे आपका रसम हो रहा? बुतला फातिमा। दूसरा कह रहे थे बोलना बल्ला गुड़े में। बल्ला गुड़े में कहाँ पर? डे वो बबला की गोश्त की दुकान है। हा? वहां से लेफ्ट मार को सीधा आगे गए तो कमान आती, देखो। हाँ कमान कंची 1 2 3 4 लेफ्ट साइड का चौथा घर। काली गेट पर रह गया तुम? तुम्हारा तो उतर था मालूम, वो मेरे खाला का घर है, अब भी बोल के रिश्ता कैंसिल करा तू तेरा। हटे अस्सलाम वालेकुम, आदाब नमस्ते सत श्री अकाल वड़कम गाइस। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, और जिसका फोन आ रहा है वो फोन साइलेंट करो। और तो ये वीडियो में जो हम जो दुकान में खड़े हुए हैं उसका नाम है फैशन एंड फ्रीडम। अगर आप लोगों को जो है सो ये सीजन के जबरदस्त और बेहतरीन कपड़े होना है, वो भी 25% डिस्काउंट के साथ अगर आपको कपड़े होना है तो आप फैशन एंड फ्रीडम को आ सकते हैं। सिंपल एड्रेस है नियर फलक नंबर ब्रिज बिसाइड अमीन कॉलोनी चंद्रायन गुट्टा। आइए और जबरदस्त शॉपिंग करिए 25% ऑफ के साथ, और हमारा कोड है golden786। गोल्डन 786 याद रखिए।